शख्स जो सेहतमंद है, जिसकी आंखें देखती हैं, जिसके कान सुनते हैं, जिसकी टांगें चलती हैं, वो अल्लाह ताला का एक गिफ्टेड शख्स है। वो शख्स जिसकी कानों में कोई प्रॉब्लम है, देखने में कोई प्रॉब्लम है, चलने में कोई प्रॉब्लम है, वो हैंडीकैप है। अब हमारी जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने तीन मेजर डिसेबिलिटीज बताई, जिसमें नंबर वन इज हियरिंग लॉस, जो सुन नहीं सकता, वो सोशल डिसेबिलिटी का भी शिकार हो गया। फिजिकल डिसेबिलिटी तो है ही है, उसको सुन नहीं रहा। अब यकीन करें कि इसके ऊपर इतना काम हुआ है, और जिसमें मेरा मेजर रोल है, इस पाकिस्तान में मैंने 1981 में पहली कॉन्फ्रेंस करवाई, जिसमें हमने हियरिंग के लिए जनरल ज़ियाउल्लाह साहब आए थे, स्पेशल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने कहा था कि काम करें, उन्होंने मेरे कहने पे चारों सूबों में, क्वेटा, पिशावर, कराची, लाहौर में कानों की टेस्टिंग के लिए ईयर ENT डायग्नोस्टिक सेंटर्स के लिए ऑर्डर इशू किए थे। ये स्टार्ट वहाँ से होता है। सुनना जो है ये बहुत जरूरी है। ये एक ऐसी डिसेबिलिटी है, देखो कि जो अंधे हैं, ब्लाइंड है, उनकी क्रिकेट टीम है, मैं बड़ा ज़बरदस्त आर्गुमेंट देता हूँ, जो बेचारे डेफ हैं उनकी क्रिकेट टीम की बात है। यानी इसका मतलब यह है कि वो बेचारे जो देख नहीं सकते वो भी मजबूर हैं, लेकिन जो सुन नहीं सकते वो उससे ज़्यादा मजबूर है, क्योंकि उनकी कोई क्रिकेट टीम, ना हॉकी टीम, ना स्क्वाश टीम, कोई नहीं। ये मेरे ज़हनी इख्तराअ है जो मैं आपको अपनी फीलिंग बता रहा हूँ। इसलिए हमने इसके लिए काम करना है। हियरिंग लॉस इज ए मेजर डिसेबिलिटी, इसको WHO ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसके लिए कहा है कि ये एक ऐसी मजबूरी है जिसके लिए तीन तरीकों से मैंने जहाँ किया और करना है। नंबर वन, के पहले ये हो ही ना, एक शख्स पहला हो ही ना। दूसरे नंबर पे जो हो गया है तो उसको हम इलाज करेंगे। नंबर तीन पे जो नहीं हो सकते इलाज के काबिल, उनको हम रिहेबिलिटेशन में ले जाएं, फिर भी वो मुआशरे की एक फॉल रुकन रहे। तो इसलिए नंबर वन पे मैं आपको बताऊंगा जो सस्ता और आसान इलाज है कानों की बहरापन के लिए, वो मैं हियरिंग एड के लिए बात करूँ। अब तो ये है कि बच्चा जिस दिन पैदा होता है उसी दिन उसका टेस्ट होता है। जो अच्छे गायनी के सेंटर्स हैं हमारे इधर लाहौर में भी हैं, वो उसी दिन उस बच्चे का टेस्ट करते हैं कि आया बच्चा सुनने के काबिल है कि नहीं। जब मैंने 81 में ये इसके ऊपर काम शुरू किया तो उस वक्त थी एज नंबर 2 ईयर्स के, 2 साल के बच्चे को अपने आला लगाना, उससे पहले उसके लिए ना कोई तशखीस थी ना कोई इलाज था। आहिस्ता आहिस्ता फिर 1990 में मैंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस लाहौर में करवाई, इसी होटल में हुई थी। चेयरमैन सैनट वसीम सजाद साहब उसमें चीफ गेस्ट थे। कैनेडा से वर्ल्ड अथॉरिटी टॉप मैन प्रोफेसर PW Alberti को बुलाया और मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी था उस कॉन्फ्रेंस का। उसने आगे कहा भाई आप 2 साल को छोड़े, उसने 6 मंथ पे ले आया। ही वॉज द फर्स्ट मैन एंड वर्ल्ड लीडिंग पर्सन इन द ट्रीटमेंट ऑफ द रूशियल डेफनेस। उसने जब कह दिया हमने फिर 6 महीने को फॉलो करना शुरू कर दिया। अब लेटेस्ट ये है कि एज अर्ली एज पॉसिबल 6 महीने में क्यों इंतजार करना। इसलिए मैं ये थोड़ी सी आपको आज का जो मेरे छोटा सा आपके लिए एक ये पब्लिक सर्विस मैसेज कर लें, कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन कह लें, कि आप लोगों को बस थोड़ा सा मैं इल्म दे रहा हूँ जिसको पर अमल करके हम इस दुनिया को और सुंदर बना सकें, इसमें लोग जो हैं वो सुनने के काबिल हों। जब वो सुनेंगे तो बोलेंगे। एक बच्चा गूंगा नहीं होता, उसके प्रॉब्लम नहीं होती बोलने में। जब वो सुनता नहीं है तो बोलता नहीं है। एक पंजाबी का बच्चा इसलिए पंजाबी में बात करता है कि वो पंजाबी सुनता है। एक पश्तून जो है वो पश्तून सुनता है। एक अंग्रेज जो है वो अंग्रेजी सुनता है। इसलिए सुनने के साथ ही बोलने का अमल है। अगर एक बच्चे को आप शुरू से आला समाज लगा कर सुनने के काबिल कर दें, बिलीव करें कि वो स्पीच थेरेपी के साथ ही अच्छी गुफ्तगु शुरू कर देगा, गूंगा नहीं होगा, बहरा नहीं होगा। कि कितना बड़ा एक नेमत है, कितनी बड़ी एक बात है। मैंने अपने TV के प्रोग्राम मैंने सैकड़ों दिए इसी चीज़ को। PTV पे मेरे रेगुलर प्रोग्राम थे जिसमें मैं कहता था कि वो शख्स जो कि एक गूंगे बहरे बच्चे को ठीक कर देता है, गोया उसने एक मुल्क फतह कर लिया है। मुल्क फतह करने से बड़ा काम है। जिस घर में गूंगा बहरा बच्चा 4 साल का, 3 साल का, 8 साल का टूटा कर रहा है, उनके माँ बाप बेचारे परेशान हैं। अब वो बच्चे को अगर हम ठीक करते हैं तो घर की रानाइयाँ खुशियाँ दोबारा आ जाती हैं। अदरवाइज वो सारी जिंदगी उसकी शादी भी कर देते हैं गूंगे बहरे बच्चे की, हो जाती है कोई बात उसके भी आगे। लेकिन वो शख्स जो है वो उस माशरे में एक सिख यूनिट की तरह, जैसे एक फैक्ट्री है सपोज घी बनाने वाली, अब वो काम नहीं कर रही तो उसको कहते हैं सिख इंडस्ट्रियल यूनिट। इस तरह एक बच्चा जो है और जो सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, वो माशरे में एक फॉल रुकन नहीं बन सकता। इस माशरे में अपने घर में अपनी फैमिली को के लिए वो एक मुसीबत या समझे एक प्रॉब्लम है,
उस प्रॉब्लम को हमने ठीक करना है। इसके लिए हेयरिंग फॉर ऑल मेरा ये स्लोगन है। मुझे मलेशिया कुआलालंपुर में मैंने 10th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी इस चीज की, उसमें उन्होंने मुझे कहा था कि टेक दिस मैसेज टू योर कंट्री। एंड लोगों को एक आस, लोगों को एक उम्मीद, और लोगों के लिए सिर्फ आस उम्मीद की बातें ना करें, अभी भी करके दिखाएं। एंड गो फॉर हेयरिंग फॉर ऑल प्रोग्राम, अब उसको काफी काम किया है। नारा है जैसे एजुकेशन फॉर ऑल, एक अच्छा नारा है जो दिया गया था, जितने लोगों की तालीम हो जाए बेहतर है, बाकी तो अल्लाह ताला के हाथ में, शफा अल्लाह ताला के हाथ में। हमारा काम है कोशिश करना और अपने इल्म और अकल के मुताबिक अच्छी नीयत से हम काम करें, अल्लाह ताला बरकत देता है। बेशुमार बच्चे, सैकड़ों बच्चे हैं, मैंने फ्री कैंप लगाए हैं, मैंने मेयो अस्पताल लाहौर जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा अस्पताल है वहाँ पर 15 साल में बेशुमार बच्चों को ठीक किया, जो आए हैं किसी को ऑपरेशन के साथ ठीक किया, किसी को आला लगा के ठीक किया, किसी को दवाई दी। मेरा ये एक पैगाम है कि सस्ता और जो आसान इलाज है ना दरअपन में, वो अला स्मार्ट उस स्टेट में लगवा लेना चाहिए। उसमें कोई इतनी बड़ी लंबी छोड़ी उसमें कबाहत नहीं होती। ऑपरेशन के लिए बड़े मसले हैं, आपको अपने इम्प्लांट है, सपोज बहुत एक्सपेंसिव प्रोसीजर है, बेशुमार उसके टेस्ट हैं, उसकी बेशुमार मुसीबतें भी हैं, बच्चे की डेथ हो सकती है ऑपरेशन में, नरम करें उसका मुँह टेढ़ा हो सकता है, उसके काफ़ी मसाइल हैं। लेकिन आला समाज में तो कोई ऐसा मसला नहीं, वो एक उठाया जैसे एक ऐनक है। मैंने बड़ी सी बात मेरे जहन गई कि आला समाज को ऐनक की तरह कबूल कर लेना चाहिए। आला समाज एक सस्ता और आसान इलाज है, हमारे हम लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि 30-30, 40-40 हज़ार तो करके महंगे ऑपरेशन करवाएं और उसके बाद भी उसके रिजल्ट जो है वो मतलब को जरूरी नहीं कि 100% ठीक है कि आपने इतना बड़ा प्रोसीजर किया या करवाया तो उसके बाद रिजल्ट आ जाए, उसके भी मसाइल हैं। लेकिन आला समाज जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई आपके लिए मसला नहीं है। तो इसलिए मेरा आज आपको स्लोगन है, हेयरिंग फॉर ऑल, सुनने के लिए हमने हर शख्स को कोशिश करनी है कि हमने उसको ठीक करना है। और इसके साथ ही अगर आला समाज की जरूरत है, आला समाज लगवा लें। और सबसे बड़ी बात है कि हमने माशरे को इस सिलसिले में एक नया, यानी ये हेयरिंग एड जो है ये अब आपको मैं सबसे बड़ी बात, सिंपल सी है ये, बल्कि नजर नहीं आती, ऐनक तो सामने नजर आती है। अब मेरे अस्पताल में जब मेरे पास घूमने आती थी बच्चे लेके, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है तो आउटडोर में, उन्हें भी एक रोकी सामू जी डोरा के आने, बाबा ऐनक लगी है बंदे को तो कोई अंदा नहीं कहता ना, कितना अच्छा आर्गूमेंट था। तो इसलिए मैं ये भी आवाम को अपील करूँगा, अगर किसी के आधा लगा हो तो उसको हजियत ना करें, क्योंकि उससे वो शख्स थोड़ा सा पीछे हट जाएगा कि हाँ ये तो सुबह ला के जाना मैं रोकी डोरा कर दे। ये मैं बड़ी पते की बातें बता रहा हूँ, मेरा 40 साल का एक्सपीरियंस है इसमें। मैंने इस काम का स्टार्ट किया पाकिस्तान में और हाईएस्ट लेवल के आदमी जो उस वक्त जियाउल हक साहब प्रेसिडेंट भी थे, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, उनको मैं लेके आया इस्लामाबाद से। आई रिक्वेस्टेड हिम, ही केम स्पेशली टू कम टू लाहौर टू इनॉग्रेट दी माई कॉन्फ्रेंस। उस कॉन्फ्रेंस में उसने कहा कि भाई इसके लिए आप मांगे क्या मांगते हैं, तो मैंने कहा कि आप चारों सूबों के क्वेटा, पेशावर, कराची, लाहौर में ENT डायग्नोस्टिक सेंटर, तशखीस का अमल ही कोई नहीं था, कोई पोस्ट कोई नहीं थी आर्डियोलॉजिस्ट की, ये मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। जिससे फिर वो आर्डियोलॉजिस्ट की पोस्ट आई मेरी रिक्वेस्ट पे, उन्होंने डायरेक्टिव इशू किया, अब अल्लाह की मेहरबानी से आगे से आगे जा रहे हैं। हमारा मुल्क भी माशाल्लाह, बाकी जो 7 कंट्रीज हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, उनके से बेहतर है। हम लोग फैटी कॉम्प्लेक्स में ना जाए, मैं एम्स में गया हूँ, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, प्रोफेसर डेका ने मुझे कॉक्लियर इम्प्लांट का जो ऑपरेशन करके दिखाया, मैंने देखा, मैं बड़ी अच्छी बात आप लोग कर रहे हैं। बांग्लादेश में मैं गया हूँ, वहाँ भी मैंने देखा है उसके लिए काफ़ी काम हो रहा है। उसके बाद जब मैंने 3rd SAR कॉन्फ्रेंस इसी लाहौर में मैंने करवाई, जिसमें चारों 50-55 जो SAR कंट्रीज मेन हैं उनके लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और उन्होंने भी कहा कि आप काम करें, इसके लिए बातें करने की जरूरत नहीं है, काम होता है, काम होगा तो माशरा नजर आएगा कि जिस माशरे में कम से कम होंगे मेरे बच्चे हों, कम से कम लोग जो हैं वो हैंडीकैप हों। और आखिरी मेरा पैगाम है, बूढ़ों में बुढ़ापा उस वक्त आता है जब वो सुन नहीं सकते। ऐनक लग गए, एक्टिव हो जाएंगे, अपने पोते पोतियों से फंक्शन में हर जगह पार्टिसिपेट करेंगे और डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। डिप्रेशन का इलाज एक आला समाज भी है, आला लग गए बंदा सुनना शुरू हो जाए, वो माशरे का फार होकर मर जाता है। मेरा ख्याल इन बातों से आप काफ़ी मुस्तफ़ीद होंगे, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।